जैसे मैं इसको टच करूंगा ये टच किया सीधी डीसी हो गई। डीसी मतलब कैपेसिटर फिल्ट्रेशन कर रहा है, कैपेसिटर फिल्ट्रेशन कर रहा है। ये चीज किस किस को समझ में आई? हेलो तो हमारे साथ स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए अपना। सतीश कुमार। सतीश, सतीश क्या तुम्हारे हाथ में इतनी सारी आईसी लेके बैठे हो? जी सर। आज एशिया टेलीकॉम में आपका दूसरा दिन हो रही है, क्या लेके बैठे हो? पावर एक्सेसर डबल डेकर और सीपीयू सर। तो डुअल डेकर कौन सी स्टेंसिल से करा आपने? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से पावर भी करा? जी सर। रेम भी किया? जी सर। नॉर्मल 4G भी करा? जी सर। सारा का सारा बताइए सामने यार। जी सर, थैंक यू। चलिए चलिए। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, क्या है भाई आपके हाथ में? मेरे हाथ में सर डुअल डेकर है, सीपीयू ईएमएमसी है और पावर एच है सर। सारी की सारी बना दी आपने? हाँ सर। तो ये कौन सी स्टेंसिल से बनाया? यूनिवर्सल स्टेंसिल से बनाया। तो इतनी ट्रिक पहला दिन दूसरा दिन आपका और इतना सारा सब कुछ कर लिया आपने? सर एशिया टेलीकॉम के ट्रिक से हो गया। क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? थैंक्स टू एशिया टेलीकॉम। चलिए जी, क्या है आपके हाथ में? फ्री ईएमएमसी है और डुअल डेकर सीपीयू है और पावर आईसी है। क्या है? ईएमएमसी है, सीपीयू है, डुअल डेकर और पावर आईसी है। पावर आईसी है जी सर। तो सारी सब कुछ बना दिया जी सर। इसके पहले कभी एसएमडी को टच किया था? नहीं सर, मैंने टच नहीं किया। अभी क्या पढ़ाई करके आ रहे हैं आप? जी हाँ, स्टडी। क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम? थैंक यू एशिया टेलीकॉम। चलिए हमारे साथ स्टूडेंट है, क्या है आपके हाथ में? सीपीयू। सीपीयू कौन सा सीपीयू? ड्यूल डेकर। ड्यूल डेकर कौन से स्टेंसिल से बनाया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल से। क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के बारे में? इसके पहले ये काम आता था आपको? नहीं सर, नहीं। तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सल से ड्यूल डेकर बना दिया आपने? जी सर, एशिया टेलीकॉम का बदल। चलिए ठीक है। चलिए क्या है आपके हाथ में? आपके हाथ में क्या? रखो वहीं पर, वहीं पर रखो, वहीं पर रखो, वहीं पर। तुमने बहुत अच्छा जमाया था। क्या है आपके हाथ में? आईसी सर। हाँ, कौन कौन सी आईसी बताइए जरा, निकाल लिए उठा लीजिए। सर डुअल डेकर आईसी है सर, रैम है सर, 4G सीपीयू है सर, पावर आईसी है। अच्छा, ये सारा का सबको सबको बना दिया आपने सर? तो काहे से बनाया ये? सर ये यूनिवर्सल स्टेंसिल से। सर यूनिवर्सल स्टेंसिल, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? सर गजब की ट्रिक दी सर एशिया टेलीकॉम ने, एक बार में हो गया सर। एक बार में हो गया सारा का सारा हो गया। यस सर। तो कैसा लग रहा है करके आपको सर? क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम? थैंक्स टू एशिया टेलीकॉम। चलिए जी, क्या है आपके हाथ में? सर आईसी है सर। लिए आप बताइए हाथ में? सर डुअल टेकर है, पावर है, और भी सारे हैं। नॉर्मल 4G है, बताओ ना, लो ना हाथ में, क्या क्या बनाया तुमने? नॉर्मल 4G और ये सब सब। तो आपको दूसरे दिन इतना सब कुछ? जी सर, एशिया टेलीकॉम में सर सब पॉसिबल। सब पॉसिबल, सब पॉसिबल सर।
तो इसके पहले क्या करते थे आप? स्टडी करता था। स्टडी करते थे जी सर। चलिए, क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? थैंक यू एशिया टेलीकॉम। चलिए रेडी रखिए, आते आते हैं आप। सारी आईसी निकालो जो जो बनाया है। दोनों बनाए जी। तो क्या अभी आप क्या आदमी? एक डुअल डेकर है और एक पावर आईसी। अच्छा, और पास में क्या है आपके? यूनिवर्सल स्टेंसिल। ये भी बनाया आपने? नहीं, ये बना रहा था। ये बना रहे थे। हाँ। और क्या बनाया आपने? दोनों बनाए। दो वर्क करके। कौन सी स्टेंसिल से बताया? स्टेंसिल यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। इसकी प्रॉपर स्टेंसिल है क्या आपके पास? नहीं है, आप इस यूनिवर्सल से ही बनाया। हाँ। तो क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? थैंक यू एशिया टेलीकॉम। चलिए चलिए, क्या है अभी? अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो ये डुअल डेकर का काम कर रहे हैं। अच्छा, डुअल डेकर का। और इसके पहले कौन कौन सी डुअल डेकर कितनी बार बनाया आपने? डुअल डेकर तो दोबारा रिवॉल्व कर रहा हूँ। इसके पहले MMC IC। थोड़ा बताएंगे यार, कहाँ रखी हुई आपकी? जी सर, अभी ये तो यहाँ पे रखी, बाकी IC कहाँ रखी जो तुमने बनाई हो? इसको मैंने IC हाथ में लगाई, 3-4 सर कर चुका हूँ। अच्छा, बताइए थोड़ा कौन कौन सा किया है? ये जी, और ये CPU किया जी। अभी ये कंप्लीट CPU है जी। जी बिल्कुल जी, क्वालकॉम का जी। और ये अभी वो इस पे डुअल डेकर कितनी बार करा आपने? दूसरी बार कर रहा हूँ। दूसरी बार कर रहा हूँ जी। रिवॉल्व कर रहा हूँ। चलिए, तो क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? थैंक यू सर एशिया टेलीकॉम। जी इधर क्या कर रहे हैं आप? डुअल डेकर CPU रिवॉल्व कर रहा हूँ। कितनी बार कर चुके हैं अभी आप? तीसरी बार कर रहा हूँ। तीसरी बार कर रहे हैं आप? यस सर। कैसा लग रहा है आपको करके? ठीक लग रहा है। क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? थैंक यू एशिया टेलीकॉम। चलिए जी सर, मेरा नाम रवि भूषण ठाकुर है। हाँ। मैं 4G CPU रिवॉल्व किया हूँ। अच्छा, इसके पहले और क्या करा आपने? सर पावर IC। ठीक है, और क्या किया आपने? ये दो किया अभी मैंने। अच्छा, डुअल डेकर और 4G किया है। तो ये क्लियर रूप से करा है, देख सकते हैं हम इसको जी, देख सकते हैं यहाँ पर। तो कैसा लग रहा है दूसरे दिन यूनिवर्सल स्टेंसिल से 4G CPU करके? सर अच्छा लग रहा है, सारी ट्रिक मिल रही है। कौन सी स्टेंसिल से कर रहे हैं? यूनिवर्सल स्टेंसिल। चलिए, क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? जी नाम बताइए अपना। मनोज। मनोज, क्या है अभी आपके हाथ में? ये डबल डेकर है और ये 4G CPU है। 4G CPU डबल डेकर है जी। और क्या है, पावर भी बनाया? पावर भी बनाया मैंने। पावर भी बनाया जी सर। MMC भी बनाया आपने जी सर। तो बताइए मनोज, कौन सी स्टेंसिल से बनाया आपने? यूनिवर्सल सर। यूनिवर्सल, बताइए स्टेंसिल कौन सी? यूनिवर्सल स्टेंसिल है, इससे बनाया। तो क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? बहुत अच्छा सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। चलिए हाथ में निकाल लीजिए, रख लो हाथ में, जो जितनी बनाया ऐसी सब निकाल लो। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। सर मैं मिराज हूँ, मैं आसाम से हूँ। मिराज आसाम से। हाथ में क्या लेके बैठे हो? द 4G CPU है, 4G MMC है, 4G पावर है सर। तो डुअल डेकर भी है सर। इतना सब कुछ दूसरे दिन सर कैसे संभव है? एशिया टेलीकॉम में सब कुछ संभव है। एशिया टेलीकॉम में यूनिवर्सल से करा। तो ये काम खाली अकेले तुमने करा कि पूरी क्लास ने करा? पूरी क्लास ने करा सर। पूरी क्लास ने करा। ऐसा कोई बंदा जिसने डुअल डेकर नहीं किया हो? नहीं सर, सब ने किया सर। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? थैंक्स टू एशिया टेलीकॉम, थैंक्स टू देव सर एंड थैंक्स टू MD सर। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, कौन कौन सा IC बनाया जरा बताओ ना, कौन कौन सा बनाया तुमने? पावर आईसी बनाया। थोड़ा निकाल के बताओ ना, हाथ में लेके ले, निकाल के बताओ ना। अच्छा, MMC भी बनाया था आपने? हाँ, MMC भी बनाया। 4G CPU भी बनाया था आपने? हाँ बनाया। जैसा देख सकते हो आप, तो ये कोई वीडियो में ले रहा हूँ कि वाकई में तुमने बनाया है? नहीं, बनाया है। बनाया? खुद से बनाया? हाँ खुद से बनाया। खुद से बनाया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। दूसरे दिन इतना सब कुछ? बहुत अच्छा। क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? थैंक्स टू एशिया टेलीकॉम, थैंक्स टू देव सर। चलिए, क्या है आपके हाथ में? मेरे हाथ में सर डबल डेकर CPU है। डबल डेकर है, पावर है, MMC भी है। तो मतलब अभी इसके ऊपर कुछ है क्या?
इसके ऊपर कुछ रिवॉल्विंग करने के लिए है क्या आपको? नहीं है सर, डबल डेकर भी कर लिया हम दो बार। डबल डेकर भी कर लिया आपने? और एक बार में डन हो गया मेरा। एक बार में डन हो गया। कैसा लग रहा है सब करके? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलेंगे टेलीकॉम के? थैंक यू सर टेलीकॉम। चलिए थोड़ा अपने हाथ में ऐसी निकालो जो जो बनाया। कौन सी बनाया? पावर और डबल डेकर। पावर और कौन सी बनाया? डबल डेकर। डबल डेकर बनाई, पावर बनाई। तो दूसरे दिन कौन से स्टेंसिल से बनाया? यूनिवर्सल। कौन सी? मेरा हाथ में बताइए। ये इसको यूनिवर्सल स्टेंसिल बोलते हैं। yes. इसी से बनाया आपने? यस सर। क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के? थैंक्स टू एशिया टेलीकॉम। जी कौन कौन सी ऐसी बनाया जरा बताना। डबल डेकर रैम बताइए, थोड़ा हाथ में लेके बताइए। अरे ढेर लगा हुआ तुम्हारे पास तो आईसी होगा। इतना आईसी कौन सी स्टेंसिल से बनाया? यूनिवर्सल। कौन सी यूनिवर्सल? मतलब ये वाली स्टेंसिल यूनिवर्सल से बनाया। तो सारा बना नहीं पाता कोई टीचर? मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि कोई टीचर भी इसको आईसी को अभी एकदम से जो आपके हाथ में ये 4G सीपीयू और ये वाली आईसी है, कोई टीचर, कोई इंस्टीट्यूट का टीचर भी नहीं बना सकता एकदम इतने परफेक्ट तरीके से। इंस्टीट्यूट का टीचर भी बना सकता। और आपका दूसरा दिन है एशिया टेलीकॉम में, आप परफेक्ट इतना काम कर रहे हैं। सर आपकी टेक्निक इतनी अच्छी है। एशिया एक क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए आप? बहुत अच्छा है सर, यहाँ पे किसी को भी आना हो तो आ सकता है, भरोसा करके आ सकता है। जी चलिए हमारे साथ अनदर स्टूडेंट है। जी सर मैं फरदीन हसन हूँ। सर नाम बताइए अपना। फरदीन हसन सर, बिहार से। सर बिहार से। ये आपकी इतनी सारी आईसी क्या कर रही है आपके पास? सर ये अभी रिवॉल्विंग कर रहा है सर। रिवॉल्विंग की? जी सर, इसमें डुअल डेकर है और यूएमएमसी है। और हाँ डुअल डेकर है, एमएमसी है, नॉर्मल 4G है, पावर आईसी है, एमएमसी है। अभी कोई ऐसा आईसी बचा? ये इधर भी, ये भी बनाई आपने? जी सर। तो रखिए ना उसको वहाँ पे, मेंशन कीजिए ना। ये सब बना के बैठे हैं अभी आप? जी सर। तो इतनी स्किल, ये काम सब हम पहले कर आने से पहले कर पाते थे क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं कर पाते थे। जी सर हमारे एमडी सर है जो बहुत अच्छा ट्रिक बताए जिसकी वजह से इजीली कर सकते हैं। मतलब अब अभी सारी की सारी प्रोसेस डन हो रही ना, मतलब खाली आप कर रहे हो कि पूरी क्लास कर रही है? हाँ सर पूरी क्लास। सर पूरी क्लास? कोई ऐसा तो नहीं है स्पेसिफिक आपसे ले रहा हूँ मैं? नहीं सर, जो वीक भी है सर उसको पास में आप बुला के उसको अच्छा से ट्रेन कर रहे हैं जिससे बहुत अच्छा। कोई ऐसा छूटा तो नहीं है? नहीं नहीं सर। चलिए थैंक यू सो मच सर। चलिए नाम बताइए अपना। बिहारी लाल सर। बिहारी कहाँ से हो? जयपुर से। जयपुर से हो बिहारी? ये आईसीयू की भीड़ लगा रखी तुमने ना सर? कौन कौन से बना दिए तुमने? डुअल डेकर भी है, एमएमसी भी है, 4G सीपीयू नॉर्मल सीपीयू भी है, 4G दूसरा भी शायद ये 8917, मेरे को जो 8917 सीपीयू दिख रहा है, 8905 दिख रहा है, डुअल डेकर दिख रहा है, डुअल डेकर के साथ ये दिख रहा है। बिहारी इतना सब कुछ पहले कभी करते थे? नहीं सर। पहले कभी करते थे क्या? नहीं क्या सर। तो अभी एकदम सडनली एक दिन की क्लास और ऐसा कर दिया आपने? यस सर। तो क्या बोलेंगे ऐसे टेलीकॉम के लिए? ये सर के बिल्कुल सरल तरीके से बताते हैं, सही है, बढ़िया सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है ये आईसी लगा रखी है आपने? अभी वो बनाया हूँ आईसी। बनाया आपने? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपको ट्रिक में थोड़ा काम करने में दिक्कत आ रही थी, आप सामने वहाँ पर हार्ड सीट पे आए, आपने हार्ड सीट पे बैठ के काम किया। दिक्कत आ रही है लेकिन एशिया टेलीकॉम के जो एमडी सर हैं वो एक छोटे भाई जैसा समझा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वॉब्लम तो नहीं है। हाँ अब उसके बाद हमको क्या हुआ? इतना सब कुछ करने के बाद जो मोर देन प्रैक्टिस है हमको घर जाके करनी है। राइट राइट। तो अभी बंद काम करना बंद हो रहा है ना अपने? बंद हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो? क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? एशिया टेलीकॉम तो ये पूरी 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 यहाँ खाली तुम्हारी बात कर रहे हो कि पूरी यहाँ पे जितने बैठे हैं सबकी बात कर रहे हो? सबकी बात कर रहे हो? सबकी बात कर रहे हैं, सब बढ़िया तरीके से। एक एक स्टूडेंट काम कर रहा है, एक एक स्टूडेंट काम कर रहा है, एक एक स्टूडेंट को अच्छा तरीके से देख रहे हैं। एशिया टेलीकॉम इज द बेस्ट है। थैंक यू जी। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम नियाज है। नियाज क्या है अभी आपके पास? ये तो आईसी की तुमने पूरा रुमाल में आईसी भर दी है तुमने? जी ये सब मैंने अभी बनाया है। अभी बनाया जी। तो कैसा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया। अच्छा इसके पहले इतना इसको सिस्टमेटिक तरीके से काम कर पाते थे? नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ आके सीखा है कि कैसा करना है, क्या स्टेप है, कैसे बनाना है, हर एक स्टेप बाई स्टेप यहाँ कैसे। तो हमको ये भी आइडिया है कि अगर दो आईसी को दो आपस में बॉल मिल जाए तो कैसे उसको कैसे करना है, हमको डबल से नहीं बनाना है जी, है ना? हमारा पीपीडी अगर अंदर फंस जाए तो उसको कैसे निकालना है जी, जी। है ना? डबल से हमको आईसी बनाना पड़ेगी क्या? उसको क्लीन करके बनाना पड़ेगी? नहीं नहीं, उसका भी ट्रिक है। उसका भी ट्रिक है जी। चलिए और ये सारी आपने यूनिवर्सल स्टेंसिल से बनाया? जी सर यूनिवर्सल से बनाया। क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? एशिया टेलीकॉम इज द बेस्ट। चलिए ठीक है।
जी नेपाल से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। बोलो रंजीत, बोलो बोलिए रंजीत। हाँ रोशन, रोशन कौन कौन सी ऐसी कर ली आपने? ड्यूल डेकर तुमने दो दो करे? सर के फेवरेट हो क्या तुम? दो ड्यूल डेकर लेकर बैठे हो तुम? दो ड्यूल डेकर है। रैम भी करी आपने? रैम भी करी आपने? ये नहीं करे। अच्छा तीन का। अच्छा ये यहाँ जो करी है वो रखो ना यहाँ सामने। सर ये करी इन्होंने, तो बताइए मेरे को कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? वो जो चीज़ नहीं आती थी पहले जी, अब अच्छे से आ रही है। चलिए उसके लिए थैंक यू जी। हमारे दोनों महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं अभी इधर लास्ट में, तो नाम बता दीजिए। आनंद मच्छी महाराष्ट्र से हूँ। आनंद क्या क्या बना लिया भाई? ड्यूल लेकर बनाया, 4G अब आईसी बनाई और पावर आईसी बनाई। और सर मैंने नहीं सर, मुझे पहले से नहीं आता। ईमानदारी से बोलो। यस सर, मैं 15 साल काम कर चुका हूँ लेकिन मुझे ये काम मैंने कभी नहीं किया था। अच्छा और अभी? अभी एकदम इजीली हो रहा है, फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस कर रहा हूँ। अच्छा ट्रिक सही है। यस सर सबसे बढ़िया। थैंक्स टू एशिया टेलीकॉम, थैंक्स टू ऑल योर सर। थैंक यू। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, मेरा नाम नवनीत जैन है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। नवनीत जैन नागपुर महाराष्ट्र, मतलब जबलपुर से? यस सर। तो ये बताइए क्या है भाई आपके पास? मेरे पास पावर आईसी है, ईएमएमसी है और ड्यूल डेकर है और 4G सीपीयू पे मैं अभी रिबॉलिंग कर रहा हूँ। अच्छा तो बताइए मेरे को कि हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है सर, अभी प्रैक्टिस कर करके और ट्रिक के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जो ट्रिक बताया मुझे उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ और डन हो भी रहा है मेरा काम। अच्छा ये तुम पूरी क्लास की बात कर रहे हो या तुम्हारी बात कर रहे हो? पूरी क्लास में? पूरी क्लास में सभी सभी को ये ट्रिक जो बताई है सभी 1 टाइम 2 टाइम में सब जन कर रहे हैं। सब जन कर रहे हैं या? तो अब एशिया टेलीकॉम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? थैंक्स टू एशिया टेलीकॉम, थैंक्स टू देव सर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक। चलो एक बार सबसे प्रश्न मेरा। हेलो यस सर, मैं आता हूँ जरा जोश के साथ, है ना? फिर अपन खाना खाने चल रहे हैं अपन। चलो स्टेंसिल उठा लो सब स्टेंसिल हाथ में। क्या है अभी आपके हाथ में? यूनिवर्सल स्टेंसिल। कौन सी स्टेंसिल है? यूनिवर्सल। और इससे डन क्या क्या है आपने? यस सर। क्या क्या डन किया? रैम को बनाया? यस सर। अच्छा एक ने बनाया कि सबने बनाया? सबने बनाया। सबने बनाया? यस सर। तो क्या बोलोगे एशिया टेलीकॉम के लिए? थैंक यू एशिया टेलीकॉम। और थैंक्स आपको भी कि आपने पूरी ट्रिक ली और ट्रिक के साथ काम करा आपने। यस सर। थैंक यू सर। चीज क्लियर करी? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। यस सर। साथ है 28 अप्रैल की बैच। यस सर। कौन कौन लाइव है? यस सर। सब लाइव है? यस
तो बताइए आज क्या क्लास थी हमारी? अच्छा तो ये बताइए मेरे को कोई रिवॉल्विंग की क्लास कल भी थी और आज भी थी आपकी? यस सर। तो कल किया था, आज क्या क्या आपने? सर आज पूरा आईसी का बनाया, आईसी का पूरा रिवॉल्विंग हुआ और पहले एमसी का किया था। तो आज मोस्टली क्या क्या आपने, कौन सी आईसी रिवॉल्व किया आपने? मैं डबल डेकर। कौन सी स्टेंसिल से? कौन सी स्टेंसिल से? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। तो ये खाली एक ने करी है, पूरी क्लास ने? किस किस ने करी? किस किस ने करी? पूरी क्लास ने? ऐसा कोई बाकी जिसने नहीं की हो? सब ने की? नॉर्मल 4G भी करा, पावर भी करा, डुअल टेकर भी करा, रेम थी आपके पास, रेम भी करी आपने? चलिए, कोई तुक्के से हुआ क्या? नहीं सर। खाली एक बार करा क्या? नहीं सर। दो दो बार करी आपने? नहीं सर। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे माइक दीजिए इनको। यस सर। नेट चल रहा है भैया? उसको उस पर लगा देना भाई, उसको ना चार्जिंग पे लगा दे। मेरे कहते ठीक है, चार्जिंग पे लगा दे। मेरा ठीक है ना, मेरा खराब है। यस बोलिए। हेलो, हेलो, अभी बोलिए, अभी तो आवाज चेक कर लीजिए। कहाँ से हो आप? वर्धमान डिस्ट्रिक्ट। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से जबलपुर आए आप और आज आपकी दूसरे दिन की क्लास। सवेरे क्या क्लास थी आपकी? सवेरे EMC रिवॉल्विंग थी। तो डुअल डेकर रिवॉल्व किया आपने? यस सर। कितनी बार करा? पाँच बार। पांच बार किया आपने। अच्छा ये बताइए मेरे को, कोई सी ऐसी बच्ची की जो आपने रिवॉल नहीं की हो? सारी ऐसी करी आपने। अच्छा तो डुअल डेकर कौन सी स्टेंसिल से किया? यूनिवर्सल। इसके पहले करते थे आप? नहीं सर। चलिए तो और आप दोपहर में किसके साथ क्लास की आपके? 12 बजे देव सर के साथ। कौन सी क्लास थी? कॉम्पोनेंट की क्लास थी। तो कॉम्पोनेंट चारों खत्म हो गए आपके? तो कॉम्पोनेंट का नॉलेज किस लेवल से मिला आपको? हाई लेवल से मिला। और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल हुआ आपका? प्रैक्टिकल क्लास में। अभी चार कंपोनेंट में से कोई डाउट किसी प्रकार का? नहीं सर। अगर मैं बोलूं कि सीरीज पैरेलल बता दो चारों कंपोनेंट को, बता सकते हो आप? बता सकते। कंपोनेंट की पहचान मालूम है आपको? यस सर। कंपोनेंट क्या काम करता है पीसीबी में, ये मालूम है आपको? यस सर। पीसीबी के बाहर क्या काम करता है, ये मालूम है आपको? क्या मान के पावर आईसी में आपकी बक कॉइल लगी होती है, ये मालूम है आपको? यस सर। ग्राफिक्स में क्या मान की लगी होती है, कितने माइक्रो हेनरी की लगी होती है, मालूम है आपको? लाइट में कितनी माइक्रो हेनरी की लगी होती है, मालूम है आपको? चलिए तो क्या बोलना चाहेंगे आप एशिया टेलीकॉम के बारे में? थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। चलिए नेक्स्ट। हाँ सर जी। जी सर बताइए आज क्या क्लास थी आपकी? सर आज रिवॉल्व किया सीपीयू। अच्छा। पावर आईसी निकाला, उसको फिर रिवॉल्व किया जी। और डबल डेकर किया। डबल डेकर किया जी। तो इससे पहले करते थे कि अभी? नहीं सर, अभी तो आज किया। जी सर। तो कॉन्फिडेंस के साथ करा कि ऐसे ही तुक्के में हो गया? कॉन्फिडेंस के साथ सर। कॉन्फिडेंस के साथ जी सर। अभी कोई डुअल डेकर हो तो आपको प्रॉपर स्टेंसिल खरीदने की जरूरत है क्या? नहीं सर। आप यूनिवर्सल से कर लोगे? यूनिवर्सल से कर लेंगे। यूनिवर्सल से कर लेंगे जी सर। और उसके बाद क्या क्लास थी आपकी? और सर देव सर के साथ थ्योरी थी। हाँ। जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया बताया जी सर। और उसके बाद? इसके बाद सर प्रैक्टिकल किया। अच्छा तो प्रैक्टिकल में किसी प्रकार का कोई डाउट? नहीं सर, सब ओके है। एवरीथिंग एवरीथिंग ओके है तुम्हारा? अगर मैं बोलूँ सीरीज पैरेलल क्या होता है, चारों कंपोनेंट की रीडिंग बताओ आप मेरे को, चारों कंपोनेंट के प्रकार बताओ, और अगर अगर आपकी बुश कॉइल अगर ग्राफिक्स में लगी होती तो क्या कितने माइक्रो हेनरी की आती है, ये पता है आपको? जी सर बिल्कुल। पावर में लगी है तो जब पावर सेक्शन में लगी है तो बक कॉइल क्या क्या वैल्यू की होगी, ये पता है आपको? जी सर जी। चलिए लाइट का भी बताया आपको? लाइट। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट तो हमारे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए। कुंदन भाई। हाँ जी। तो कुंदन बताइए मेरे को क्या क्या क्लास थी आज हमारी? सर सुबह में सीपीयू रिवॉल्व किया। ठीक है, दोपहर में क्या किया आपने? दोपहर में सर। अच्छा सीपीयू रिवॉल्व किया आपने, कौन सा सीपीयू रिवॉल्व किया? सर 4G। और पावर आईसी किया, डुअल डेकर किया। डुअल डेकर किया, पावर आईसी भी किया। हाँ। तो इससे पहले जानते थे आप? नहीं सर। अच्छा तो मतलब तुक्के में हो गया कि दो बार तीन बार करा आपने? दो बार तीन बार किया सर। दो तीन बार किया आपने? इससे पहले कर पाते थे आप? नहीं सर। अच्छा
ठीक है, और उसके बाद आपने किसके साथ क्लास किया? सर के साथ क्लास थी सर। अच्छा, तो क्या नॉलेज मिला देव सर के साथ क्लास में आपको? बहुत बढ़िया नॉलेज मिला सर। अच्छा, क्या लेवल था, तरीका क्या पढ़ाने का सर का? सर पूरा है। अच्छा, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल हुआ? जी सर। प्रैक्टिकल में एक एक चीज क्लियर हुई आप? जी सर। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि चारों कंपोनेंट की रीडिंग बता दो पीसीबी में, तो बता सकते हो? एक ही मोड पे रखते हैं सभी कंपोनेंट को, चेक कर सकते हो? जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट जी। मेरा नाम नवनीत है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। हाँ जी नवनीत सर, आज हमारी सुबह के टाइम में सीपीयू रिवॉल्विंग की क्लास थी, जिसमें हमने डबल डेकर पावर आईसी जी और दूसरे भी आईसी हमने रिवॉल्व किए। अच्छा, और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार रिवॉल्व किए। उसके बाद दोपहर में हमारी क्लास थी कंपोनेंट की देव सर के साथ में जी। तो देव सर का जो जोश है फुल फॉर्म में एकदम, जितने आसान भाषा में समझाया हमको कि वो एकदम दिमाग में बैठ गया है। अभी हमको कोई अगर बोलेगा कि चारों कंपोनेंट हमको चेक करके बताओ, तो हम बता सकते हैं। बता सकते हैं जी सर। कोई प्रैक्टिकल क्लास में पूरा प्रैक्टिकल मिला आपको? पूरा प्रैक्टिकल किया। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। मेरा नाम आनंद मच्छी है, महाराष्ट्र से हूँ। हाँ आनंद, बताइए। सुबह 8 बजे हम लोग क्लास में आए जी, पावर आईसी डुअल लेकर रिपोर्टिंग किया जी, और दोपहर में देव सर के साथ कंपोनेंट का क्लास था, जिसमें हम लोग को देव सर ने बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया। जैसे देव सर का जो तरीका है नॉर्मल, जैसे आम लैंग्वेज में सिखाते हैं। अच्छा, आम लैंग्वेज में सिखाते हैं जो हमारी समझ में आती है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल आपने किया उसका? यस सर, प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल में कोई किसी प्रकार का डाउट टेस्टिंग वगैरह में? नहीं, कुछ भी डाउट नहीं है, एवरीथिंग क्लियर है। ओके, चलिए ठीक है। तो हमारे साथ स्टूडेंट है पटेल ब्रिज गुजरात से। हाँ जी पटेल, बताइए। सुबह डबल डेकर किया जी, एमएमसी यूनिवर्सल से रिवॉल किया जी, और दो तीन पांच छह बार रिवॉलिंग किया। पांच छह बार रिवॉलिंग किया, तो परफेक्शन आया कि नहीं आया? पूरा एक बार में कंप्लीट, पूरा परफेक्शन आया। हाँ सर। तो अब ये बताइए मुझे कि अभी उसके बाद आपकी दोपहर में देव सर के साथ क्लास थी, अभी कंपोनेंट के क्या क्या नजरिया आप देखने का आपका? सर आपको भी बता दे तो पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? तो ये बताइए मेरे को कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके ग्राफिक सेक्शन में कितने माइक्रो हेनरी की बुश कॉइल होती है, तो आप बता सकते हैं? और लाइट जो आपका लाइट सेक्शन में कितने हेनरी की बुश कॉइल होती है, बता सकते हैं? और पावर सेक्शन में आपको कितने माइक्रो हेनरी की रहती है, आप बता सकते हैं? यस सर। चलिए ठीक है। और उसके बाद अभी कोई अब जो अगर कंपोनेंट आपको मैं बोलूं कि पूरी मदरबोर्ड की पीसीबी में आप सारे कंपोनेंट चेक कर लो, और मल्टीमीटर एक मोड से दूसरे मोड पे नहीं होना चाहिए, तो आप चेक कर सकते हो आराम से? एक ही मोड पे सारे कंपोनेंट चेक कर सकते हो आप परफेक्शन के साथ? है नॉलेज आपके पास? यस सर। थैंक यू। तो हमारे साथ स्टूडेंट है कलीम पठान महाराष्ट्र। कलीम पठान महाराष्ट्र। तो कलीम ये बताइए मेरे को, एशिया टेलीकॉम में दूसरा दिन कल कंपोनेंट 1 की क्लास थी, आज कंपोनेंट 2 की रिवॉल्विंग 1 और रिवॉल्विंग 2, आज कौन सी एक्सटेंशन से आपने सीपीयू बनाया? यूनिवर्सल से बनाया। अच्छा, उसके बाद आपकी देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी आज, तो आज अब कंपोनेंट तुम काम पुराने समय से कर रहे हो, पर बाकी अब कंपोनेंट पढ़ने का क्या नजरिया है? नजरिया बदल गया नजरिया। अगर यही तुम्हारे को दो दिन के क्लास का नॉलेज होता, तो इसके नॉलेज के बाद में कितना पैसा कमा सकते थे? बहुत सारा कमा सकते थे। तो मतलब जीवन भर का जो जब से काम कर रहे हो, जब का एक्सपीरियंस हो रहा है, दो दिन का एक्सपीरियंस कौन भारी है? ये बहुत ज्यादा होगा सर, दो दिन का एक्सपीरियंस बहुत मिल गया सर, अभी तक तो नहीं था इतना। अच्छा, तो अभी अगर मैं तुमसे बोलूं कि 20 मिनट में सारे पीसीबी के चारों कंपोनेंट चेक कर लो, और चारों कंपोनेंट के जितने प्रकार आते हैं वो चेक कर लो, तो आप करने में सक्षम होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। है नॉलेज आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। स्किल है आपके पास? हां। चलो नेक्स्ट। चलिए, तो हमारे साथ स्टूडेंट है कमलेश व्यास, राजस्थान जोधपुर से। कमलेश राजस्थान से। तो कमलेश, कंपोनेंट देखने का नजरिया आप कैसा आया? चेंज हो गया सर, पूरा चेंज हो गया। यस सर। अगर मैं बोलूं कि चारों कंपोनेंट आधे घंटे में पूरे मदरबोर्ड में आप चेक करके पूरे पीसीबी में जो फेल होते हैं, बिल्कुल आधे घंटे में बता दो, तो बता सकते हो? यस सर।
कौन सा सीरीज में लगाया, कौन सा पैरेलल में लगाया, अगर रजिस्टर के चार प्रकार है तो क्या काम के लिए लगे हैं, क्यों लगे हैं, किस लिए लगे हैं सारा। तो थर्मिस्टर ढूंढने का बोलूँ तो आप ढूंढ सकते हो बिल्कुल, डायमंड के जितने प्रकार है सारे देख सकते हो, क्वाइल के कितने प्रकार होते हैं सारे ढूंढ सकते हो। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ उल्ला, मैं कर्नाटक से हूँ। आसिफ उल्ला कर्नाटक से, आसिफ उल्ला काम उसके पहले भी कर रहे थे मोबाइल का। जी सर। तो पहले में और दो दिन में क्या फर्क? अच्छा, तो देव सर ने जो स्किल्स के साथ आपको कंपोनेंट दिए, दूसरे इंस्टीट्यूट वाले तो 8 दिन तक कंपोनेंट बताया करते, उसके बाद भी नहीं समझ में आते। जी सर, वो इतने डीप लेवल में समझाते भी नहीं सर, इतने डीप जैसे उसका काम कैसे होता है वो पूरा प्रैक्टिकल के साथ समझाना कोई भी नहीं करता। अच्छा, तो अभी जो सर से आपको जो क्लास मिली तो वही क्लास आपने प्रैक्टिकल में गया आपने? जी सर, देव सर के साथ जो थ्योरी लिया हमने वो प्रैक्टिकल बाद में एमडी सर के साथ प्रैक्टिकल। तो पूरा क्लियरिफाई हुआ कि नहीं हुआ? पूरा सर, पूरा। अभी मैं बोलूंगा कि सारे कंपोनेंट आप चेक करने में सक्षम है कि नहीं? पूरे पूरे कंपोनेंट चेक करने से चेक करता हूं। चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट जी। जी मेरा नाम नियाज है, मैं झारखंड से हूँ। नियाज झारखंड से हो। नियाज, ये बताइए मेरे को कि अभी अभी कंपोनेंट की परिभाषा चेंज हुई कि नहीं हुई? जी सर। दिमाग से चेंज हुई कि नहीं हुई? जी सर, पूरा बिल्कुल, पूरा बिल्कुल चेंज हो गया। बिल्कुल। अभी कंपोनेंट देखने का, पीसीबी देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला? देखो, दो दिन में आपको कंपोनेंट की क्लास पूरी दे दी हमने, कल वन थी और आज टू कंपोनेंट की क्लास देव सर के साथ थी। तो क्या क्या चीजों का एक्सपीरियंस मिला है आपको और कितनी बारीकियों के साथ मिला है? बहुत, मतलब डीपली एकदम बारीकी के साथ जो भी हम लोग को यहाँ पे नॉलेज मिला है वो पहले नहीं था। सेल बोर्डे भाई सर्किट के द्वारा सर बना के लाते हैं, उनको चीज़ों पे बताते हैं वो। जी सर, उसमें एक्सप्लेन करते हैं, पीपीडी बनाते हैं, पीपीडी में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। जी सर, उसके बाद किसी भी खोल उतार के जो कंपोनेंट हटा के उनको चेक करवाते हैं, नॉलेज देते हैं हर चीज़ के लिए। ये केवल थ्योरी क्लास तो नहीं है ना, ये प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल के साथ होता है। और फिर स्पेशली आपको 4-5 घंटे का प्रैक्टिकल का समय मिलता है। जी सर, वो भी मिलता है, उसमें भी ज़्यादातर जो भी डाउट्स होते हैं उसमें क्लियर हो जाते हैं। क्लियर हो जाते हैं। कोई मतलब कोई डाउट्स बाकी रहते हैं क्या? जैसे सवेरे आपने हमने कंपोनेंट पढ़ा तो शाम तक कुछ बाकी रहता है क्या डाउट? नहीं सर, शाम तक पूरा क्लियर हो जाता है। पूरा क्लियर होता है। अभी चारों कंपोनेंट को बढ़िया तरीके से चेक कर सकते हो? जी सर, अभी पता चलेगा कि कंपोनेंट से काम काम कुछ काम जाओ। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, हाँ जी जी बताइए सतीश, ये कि अब कंपोनेंट देखने का नजरिया कैसा है? क्लियर? तो आपने आज रिवॉल्विंग वगैरह किया है आपने? डुअल डेकर रिवॉल्विंग करा है। कौन सी एक्सटेंशन से? यूनिवर्सल से। कितनी बार करी आपने? चार पांच बार करी, कॉन्फिडेंस के साथ। यस। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। फैज अब्बास मुजफ्फरनगर यूपी। तो ये बताइए मेरे को फैज अब्बास, आज आज कंपोनेंट की सेकंड क्लास थी और रिवॉल्विंग की भी टू क्लास थी, तो आज आपने डुअल डेकर रिवॉल्व किया कि नहीं किया? जी सर, डुअल डेकर रिवॉल्व किया दो बार। अच्छा जी सर। और एक नॉर्मल 4G आईसी भी आपने बनाई थी? जी हां, रिवॉल्व वो भी बनाई, पावर भी बनाई आपने? पावर भी बनी। और रैम भी थी आपके पास? जी हां, वो भी बनी। वो भी बनी आपने? जी सर। सारा टास्क किया आपने? जी सर। तो तुम तो स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले थे, एकदम इतना सारा काम कैसे करने लगे? ये सर, ऐसे टेलीकॉम की बदौलत। अच्छा, कंपोनेंट में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट, चारों कंपोनेंट चेक करने में सक्षम है आप पीसीबी में? बिल्कुल कर सकते, एकदम क्लियरिफाई से? बिल्कुल से, विद रीजन के? बिल्कुल। चलिए हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडेंट है। सर मेरा नाम हमीद है। हमीद, ये बताइए मेरे को कि अभी आपकी स्किल क्या है कंपोनेंट को समझने की? स्किल क्या है? बहुत अच्छा स्किल है सर। अगर मैं बोलूं कि आप पूरी पीसीबी में से आप कंपोनेंट पूरे चेक करके निकाल दो तो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? चेक कर सकते हो सर? चेक कर सकते हो? पूरा। ठीक है, अभी ये मतलब कंपोनेंट और कंपोनेंट टू की क्लास में आपका कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया। क्या सीरीज होता है, क्या पैरेलल होता है, बक क्या होता है, बूस्ट क्या होता है, बी कॉइल क्या होता है, फिल्टर कॉइल क्या होता है, एफएल कॉइल क्या होता है, सारा सारा क्लियर हो गया? सारा हमारा क्लियर हो गया सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलने में। चलिए हमारे साथ स्टूडेंट है। मेरा नाम रवि भूषण ठाकुर है, मैं असम के जसपुर से आया हूं। हां जी। तो रवि, क्या क्या लेवल का नॉलेज मिल रहा है आपको? हाई लेवल। और देव सर के साथ जो कंपोनेंट 2 की क्लास हुई आपकी, जी क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर आपका? सर बहुत बढ़िया।
और उसके बाद आपने सवेरे प्रैक्टिकल भी किया आपने, क्या किया था आपने? डुअल लेकर रिवॉल्व किया था, डुअल लेकर किया, रैम किया, पावर एसी किया, और जी आईसी किया। तो ये तुक्के में हुआ कि परफेक्ट तरीके से? परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट तरीके से हुआ। अभी कंपोनेंट को कोई समझने में, करने में, रीड राइट करने में कोई दिक्कत होगी? कोई नहीं। मैं बोलूँ की कॉम्पोनेंट पीसी के बाहर क्या रीडिंग होती है, अंदर क्या रीडिंग होती है, कैसे चेक करना, ऑन की रीडिंग क्या होती है, किस काम के लिए लगा होता है, सारी चीजें मालूम है। जी जी, थैंक यू। जो क्लास दी वही प्रैक्टिकल किया आपने? सारी चीजें मिली आपकी? ऐसी चीज की जो दिमाग से मिसिंग हो गई हो या ट्रेस करने में दिक्कत आ रही हो, है ना, जो प्रैक्टिकल करने में दिक्कत आ रही है, ऐसी कोई चीज लगी क्या आपको? नहीं सर, सर पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, पूरा एक्सप्लेन करके प्रोबेबिलिटी जीआर के जीआर कहाँ आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, है ना? जी सर। है ना, आपको जीआर की रीडिंग ले सकते हो आप? यस सर। अच्छा, बजर की, बजर कैसे काम करता है, कहाँ काम होता है बजर का, ये मालूम है आपको? बिल्कुल सर। अच्छा, डायोड की रीडिंग मालूम है? यस सर। मैं बोलूँ की एक ही रीडिंग से पूरे कंपोनेंट चेक कर लो पूरी पीसी में, तो कर सकते हो आप? यस सर। थैंक यू। चलिए, हमारे साथ और स्टूडेंट है। सर, नाम बिहारी लाल, राजस्थान जयपुर से। हाँ जी, बिहारी लाल राजस्थान जयपुर से। तो ये बताइए मेरे को कि क्या नॉलेज मिला है आपको? सर ग्रुप सिस्टम नॉलेज, चारों कंपोनेंट की बात करूँ, कल कंपोनेंट वन की क्लास थी, आज टू की क्लास थी, तो कंपोनेंट का क्या काम होता है, क्या वर्क होता है, कैसी पहचान होती है, कैसे टेस्टिंग करना है ना, लाइट लाइट में बूस्ट कॉइल का क्या काम है, पावर में बक कॉइल का क्या काम है, क्या मान की आती है, क्या वैल्यू की आती है, सारी चीजें कर लेंगे। सारी चीजें आपको चार्जिंग में जो बक कॉइल लगा होता है, क्या मान का लगा होता है, मालूम है आपको? यस सर। और ये बताइए मेरे को कि आज आप कौन सी स्टेंसिल से आपने सीपीयू रिवॉल्व किया? सर सुबह से, क्या नाम है, यूनिवर्सल स्टेंसिल से आपने डुअल लेकर करा? हां सर। और फिर देर में दिवस के क्लास के से कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर सारी चीजें क्लियर है आपकी? हां सर। चलिए, थैंक यू। चलिए, हमारे साथ स्टूडेंट है। तो मेरे भाई, कल पहला दिन, आज दूसरा दिन एशिया टेलीकॉम में कैसा भी था आपका? अच्छा भाई, अच्छा अच्छा था। तो अभी सारी चीजें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। चलिए, आपने यूनिवर्सल आईसी से स्टेंसिल से सीपीयू रिवॉल्व किया? हाँ ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, चलिए अजीम बताइए, आज का दूसरा दिन कैसा रहा एशिया टेलीकॉम? ग्रेट डे, ग्रेट डे, ग्रेट टीचर के साथ कैसा निकला देव सर? एक्सलेंट, एक्सलेंट। क्या क्या मतलब क्लास में आकर कुछ क्या लेवल से नॉलेज मिलता है? एकदम डीपली हार्डवेयर में, एकदम डीपली, एकदम डीपली, एकदम डीपली। रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, टोटली टोटली सीपीयू। अच्छा, ईएमआईसी, टोटली डीपली हार्डवेयर। अच्छा, ये बताइए मुझे कि अभी वो वही का वही जो नॉलेज सामने दिया प्रैक्टिकल क्लास में आपने पूरा करा है? जी सर। दूसरा दिन कैसा रहा आपका? डुअल लेकर कितनी बार करा? चार से पांच बार किया। और उसके बाद फिर आपने कंपोनेंट की क्लास में, कंपोनेंट की क्लास में चारों कंपोनेंट आपके क्लियर हो गए? जी सर। सर ने क्या लेवल से पढ़ाया, नॉलेज दिया आपको? हाई लेवल, हाई लेवल से। तो वही हाई लेवल आपको जो प्रैक्टिकल क्लास में सर ने जो पढ़ाया था, तो उसका प्रैक्टिकल हुआ आपसे? जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। सर, मैं मिराज आसाम से। हाँ जी, जी सर। तो मिराज, ये बताइए मेरे को कि सवेरे क्या क्लास थी आपकी, दोपहर में क्या, मतलब देव सर के साथ क्या थी क्लास आपकी, और अभी नाइट में फिर क्लास थी आपकी, शाम में फिर क्लास थी आपकी, कैसा कह रहे हैं आज का दिन आपके लिए? बहुत अच्छा गया सर, बहुत डीप लेवल तक जानने को मिला सर। सुबह रे फर्स्ट टाइम आके सर ड्यूअल लेकर सीपी रिवेल के यूनिवर्सल स्टेंसिल से जी, 4G पीएमआई की, 4G पावर आईसी भी करी, सीपी भी करी जी। और सर देव सर के साथ फिर थ्योरी की क्लास थी, फिर जाके सर वहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल क्लास भी करी सर, बहुत डीप लेवल तक जानने को मिला सर। तो दो दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा सर। चलिए, ऑल द बेस्ट।